आजा 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 मेरे बच्चे, आजा 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 आजा। ओए, अरे क्या कर रहा है तू? छोड़ उसे, छोड़। मना कर रहा हूँ मैं इसको। ये तेरी बहन है, समझता क्या है अपने आप को? दफा हो जाए यहाँ से। बाबूजी मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर मैंने कह दिया कि ये कुश्ती में भाग नहीं लेगी तो मतलब नहीं लेगी, बस बहुत हो गया। अरे इसमें परेशानी क्या है? आप इसको सपोर्ट करते हो, बहुत चला ली आपने, अब मेरी सुननी पड़ेगी आपको। बाबूजी के जाने के बाद अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब इस पर कोई बहस या चर्चा नहीं होगी, समझी तुम? शोभा नहीं देता तुम्हें, सुन रही है तू? दीवारों से बात नहीं कर रहा हूं मैं, तुझसे बात कर रहा हूं। जवाब देगी मुझे? अब तेरे पास जवाब नहीं है ना? हाँ? सर जाने दो ना, बहन है आपकी। बहन? पागल है ये, मेरे नालायक बाप की बेशर्म औलाद। बहुत शौक है ना तुझे चड्डी पहन के इन मर्दों के सामने अखाड़े में लड़ने का? एक बात कान खोल के सुन ले, जो तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो इसी अखाड़े में तुझे एक दिन गाड़ दूंगा मैं। खानदान का नाम बदनाम करने को निकली है बेशर्म। यहाँ अंदर कैसे आया तू? और कौन है तेरी बहन? है मेरी। तेरे को पता नहीं लेडीज लॉकर रूम है? सुन चल बाहर निकल यहाँ से, चल दफा हो यहाँ से। एक बात गांठ बांध ले, तेरे पास अब दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता घर को जाता है और दूसरा उस स्टेडियम में। और जो तूने दूसरा रास्ता चुना ना तो घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। चलो अरे 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 अरे, अरे। लड़कियां रोती नहीं है बेटे, जब भी कोई मुश्किल आए ना उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। बाहर जाओ और लड़ो, डट कर मुकाबला करो। जाओ। आज यहाँ बहुत ही मजेदार मुकाबला होने वाला है पंजाब की अदिति सिंह और दिल्ली की पिंटो फर्नांडिस के बीच। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तुम नहीं कर सकते। अब पहला राउंड खत्म हो चुका है। पहले भाग में बहुत ही कमाल की कुश्ती देखने को मिली है और अब दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। अदिति सिंह ने पिंटो फर्नांडिस को सिर से मारा है। मेरे हिसाब से ये कुश्ती के नियमों के खिलाफ है। पिंटो फर्नांडिस के कोच ने एक बहुत जबरदस्त अपील की है। अब देखते हैं कि ये मामला कहां तक जाता है। दोनों ही पहलवान गुस्से में अपना आपा खो रहे हैं। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों ही पहलवानों ने नियमों का उल्लंघन किया है। पिंटो फर्नांडिस ने मैच जीत लिया है और अदिति सिंह डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। अगर अदिति सिंह को आगे बढ़ना है तो उन्हें शांत रहने की जरूरत होगी। टूटी हुई टांग के साथ वहां जाना जरूरी है क्या?
ये लोग वैसे भी दिमाग से पैदल हैं। अरे सुनो तो, अरे जाते समय टोका मत करो भाई। ओहो, कप्तान से हारना कोई अच्छी बात है क्या? चुप कर। शाम को पार्टी की बैठक भी है, पहुंच जाना। ठीक है, पहुंच जाऊंगा, पहले ये मसला सुलझा लूं। अच्छा भाई, तुम सब मजे लेते रहो जब तक ये दोनों लड़े। अरे उठो, बस करो, बस करो, बस करो, बस करो। विजेंद्र के सामने क्रिकेट खेल रहे हैं, आज इनका फैसला हो जाने दो। अरे यही तो परेशानी है यहाँ पर, टोपी भी गिर जाए तो लड़ने लगते हो। विजेता, इसे मैंने 100 बार कहा कि उस बॉल पर थूक मत लगाया कर, जिसे हम सब मिलकर खरीदते हैं। और तुम जो बॉल को यहाँ करते हो, मैं स्विंग करने के लिए बॉल को रगड़ता हूँ। तो मेरी ग्रिप भी थूक लगा के ही बनती है। अगर तुम्हें स्विंग चाहिए तो मुझे भी ग्रिप चाहिए। देखो, तुम सब पैसा लगा के ये बॉल खरीदते हो, इसलिए तुम्हारे घर में ये बॉल पड़ी रहती है। अगर ऐसे लड़ोगे तो बॉल ऐसे क्लब में रखी जाएगी। ठीक है, क्या तुम एक बॉल नहीं खरीद सकते? तुम्हारे बाप उसके पैसे देगा। विजेता, क्या स्टेटस है? हाँ, मेरी इतनी लगातार मेहनत करने के बाद स्नेहा ज्वेलर्स ने हमारी जर्सी स्पॉन्सर करने के लिए हाँ बोल दिया है। लेकिन वो एक शर्त है, हमें एक मैच तो जीतना ही होगा। मुझे नहीं, नहीं जीत पाओगे। आज हमारा मैच किससे है? अब 11 बुलेट्स कैनगरी। अब तो तुम्हें जर्सी के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। 60 रुपए की बॉल की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है और तुम लोग जर्सी खरीदो। तुम्हारा मतलब है हम लोग बिना जर्सी के खेले? नहीं, मैंने कोला मचान को जर्सी किराए पर लाने के लिए भेज दी है। जर्सी उतनी जरूरी नहीं है जितना कि यही तो है जो होने वाला नहीं। अरे टीम जर्स, ये 11 बुलेट्स मामूली टीम नहीं है। हम कुछ भी कहें, ये वही टीम है जिसने केरल पुलिस और मामड़ माचोस को आसानी से हरा दिया था। फिरोज उनका कैप्टन है, तुम्हें पता है ना, कमाल खेलता है। ये मैदान थोड़ा गीला है, इसे थोड़ा सूखा होना चाहिए। हाँ, वो कुत्ते ने अभी सुसु कर दिया था। चेगल्स कहाँ हैं? क्या वो औरतें तुम्हारी चेगल्स हैं? चलो जाने दो, कैप्टन कौन है? मैं हूँ विजयन। मैंने इस घटिया क्रिकेट टीम के कैप्टन के बारे में नहीं पूछा। एक पहलवान जो इस मैदान में ऐसे लोगों के पीछे भाग रहा है जो क्रिकेट खेलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो इसका बाप है। लोगों का कहना है कि तेरा बाप टेढ़ा आदमी है, क्या ये सच है? सच है। ऐसा नहीं है कि फिरोज किसी से डरता है। मैं नहीं चाहता मेरी खाल में भूसा भर दिया जाए, मैं डरा हुआ हूँ। तो जब तक तुम लोग हमसे वादा नहीं करते कि तुम्हारे गुंडे यहाँ नहीं आएंगे, हमें से कोई बाहर नहीं निकलेगा। अंदर चलो बॉयज। अरे मत जा फिरोज। नहीं, अमेजिंग फिरोज, मेरे अमेजिंग दोस्त फिरोज, कैप्टन अपने आखिरी स्टूडेंट की कुश्ती प्रतियोगिता के लिए उसके साथ गए हुए हैं, वो कल तक वापस आ जाएंगे। एदास, जनप्पन को अभी फोन करो और पता लगाओ कि अंकल वापस आ रहे हैं कि नहीं कल तक। हाँ ठीक है बेटा। कैप्टन। हाँ कैप्टन ही बोल रहा हूँ, क्या हुआ? रविटा, क्या आज तुम वापस आ रहे हो? मैं जानना चाह रहा था कि तुम्हारे लिए खाना बनाओ कि नहीं। हम इस कप को जीतने के बाद ही वापस आएंगे। तब तो मैं नाश्ते में कप्पा बना देता हूँ। जो दिल में आए वो करो। यहाँ कप जीतना है और वो कप्पा बनाने की बात कर रहे हैं। अरे वो कप्पा खाएंगे, मेरा मतलब वो कप जीतेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। मजे से खेलो, चिंता मत करना। अरे रुको रुको, बस मैं चलता हूँ, फिर कल सुबह वापस आएंगे। तुम शुरू करो, मजे से खेलो, चिंता मत करना। कौन? सचिन। कोला मचान जर्सी ले आया। मैंने जो वादा किया है वो आज तक पूरा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है क्या? जर्सी पर किसी और टीम के नाम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं है। मैं 3-4 दुकानों पर गया, मुझे एक ही जैसी 11 जर्सी कहीं नहीं मिली। आखिर में मैं मन मदन चेतन की दुकान पर गया, मुझे 10 एक ही रंग की मिल गई। उसने कहा कि जो आदमी बिल्कुल सेंटर में खेलता है वो दूसरे रंग की पहन सकता है। सेंटर में खेलता है? हाँ हाँ यार, सेंटर में। ये देखो, ये जर्सी है यार। कम से कम हमें ये तो मिला, एकदम कलरफुल खेल हो जाएगा यार। मृणाल सेन, ये किसी डांस कंपटीशन में आए हैं क्या? डांस कंपटीशन तो अगले हफ्ते है ना? इनकी तो ड्रेसिंग सेंस जीरो है। चलो इन्हें क्रिकेट खेलना सिखाते हैं। कम ऑन, तैयार हो जाओ। Ha 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 ha
बोला ना। भारत एक समाजवादी देश है, दो लोग लड़ते हैं और बाकी लोग हंगामा मचाते हैं। इसमें समाजवाद कहाँ है, ये तो फांसीवाद है। सिर्फ इसलिए कि कुश्ती लड़ने की परंपरा लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन पिछले 20 सालों में ये कला धीरे धीरे खत्म होती गई। लेकिन मैं आपकी क्षेत्रीय भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन आप सबकी ये अकड़, मैं तो यही कहूंगा कि ये किसी भी तरह का गुंडाइज्म भी नहीं। साथियों, हमने ये कितनी बार कहा है कि हमें इस तरह की बैठक करने की कोई जरूरत नहीं है, और हम लोग मजबूर नहीं है जो हर बार इन लोगों को जवाब दें। क्यों, सही कहा ना? देखो रवेटा, हम इस मैदान की परेशानी को और कितना खींच सकते हैं, हमें इसका हल तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे कि हर शहर में पब्लिक स्टेडियम और मैदान होते हैं, हमें भी यहाँ एक स्टेडियम की जरूरत है जहाँ लोग अपनी पसंद के खेल खेल सकें। हमारे पास सिर्फ यही मैदान है जिसका इस्तेमाल भी ठीक से नहीं हो रहा है, और लोग वहाँ जाने से डरते हैं क्योंकि वो लोग इन पहलवानों से डरते हैं। अगर हम ये जमीन देने के लिए तैयार हों तो म्युनिसिपल काउंसिल, जिसमें कॉमरेड और विजय अट्टन जैसे सदस्य शामिल रहेंगे, तो यहाँ एक स्टेडियम बनने के लिए तैयार है। और अगर यहाँ स्टेडियम बनता है तो हम यहाँ हर खेल का आयोजन कर सकते हैं, तो क्या ये हमारे शहर के लिए अच्छी बात नहीं है? जबीर, तुम में से कोई ये नहीं समझ सकता कि यह जमीन हमारे लिए क्या है। बैठ जाओ। हम कैप्टन और उसकी टीम की भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन वक्त बदल चुका है। वैसे भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि बच्चे वहाँ पर क्रिकेट खेले या स्टेडियम बनवाएं? आखिर खेल खेल ही होता है, फिर चाहे वो क्रिकेट हो या कुश्ती हो। अरे इतने खाली मैदान पड़े हैं इस शहर में, फिर ये इसी मैदान के लिए इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? अभी बताता हूँ तुझे। चुप हो जाओ। नहीं तो मुझे उम्मीद है कि मुझे यहाँ पर किसी को हमारी कुश्ती परंपरा को समझाने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, मैं तो सामने ही बैठा हूँ, गया काम से। ये मैदान वो जमीन है जहाँ पूरे भारत के पहलवान आकर कुश्ती करते हैं, और हमारे लिए ये जमीन हमेशा एक पवित्र स्थान रहेगी। और अगर ये आज के जन्मे कीड़े मकोड़े वहां जाकर ये घटिया क्रिकेट खेलना चाहते हैं, चाहे ये किसी भी तरह का विकास क्यों ना हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमारी पवित्र धरती पर कब्जा कर सकते हो, तो जब तक हम जिंदा हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए हम तुम्हें पीट भी सकते हैं और जरूरत पड़ी तो मार भी देंगे। कर्नाटिकल, जैसा कि हम लोग साहित्य में सुनते आए हैं, एक ऐसी धरती जिसने असंख्य बहादुर योद्धाओं को जन्म दिया, पहलवानों की धरती, ऐसी धरती जो इस तरह की कहानियों से भरी पड़ी थी जब कुश्ती यहाँ के लोगों के खून में दौड़ती थी। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार कुश्ती न सीखी हो। सच बताऊं तो एक भी नहीं था। असंख्य लोग दूर दूर से यहाँ आते थे इस महान कुश्ती क्षेत्र को देखने। इस मैदान में, जो कन्नाडिकल के बिल्कुल बीच में है, हनुमान की पूजा करते हुए लोहे जैसे मजबूत और चमकदार, तेल से लथपथ शरीर, अपनी मूछों को ताव देते हुए बड़ी बड़ी छाती फुलाए, जो भी पहलवान अखाड़े में उतरते हैं वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। उनकी आंखों में चमक होती, ये सब देखना बहुत ही कमाल लगता था। उनके लिए कुश्ती सिर्फ एक खेल नहीं था, यह उनके लिए उनकी दुनिया थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, मनोरंजन के साधन बदल चुके हैं, सोच बदल चुकी है, स्वाद बदल चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है। कुश्ती अब उन खेलों में से एक बन चुकी है जो भारत के लिए ओलंपिक्स में बहुत से मेडल ला सकती है, वो भी सिर्फ उत्तर भारतीयों के लिए। इस मैदान की जमीन जिसने कुश्ती के महान पहलवान योद्धाओं की विजय यात्रा देखी है, ये अखाड़ा उस महान इतिहास की आखिरी धरोहर है जिसने उस महान इतिहास को अपने दिल में बसाया हुआ है। कुछ लोग जो इस परंपरा पर गर्व करते हैं।
जल्दी। मम्मी मेरी डॉल कहाँ है? देख यहीं कहीं होगी। कहाँ है तुम्हारा चेला? कहाँ है? उसने कुश्ती लड़ना छोड़ दिया। अच्छी बात है, अब कुछ दिन तो तुम शांत रहो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। अगर मैं कुछ बोलूँ तो परेशानी। हाँ। पूरा शहर इस बारे में बात कर रहा है, यहाँ तक कि मेरे स्टूडेंट। अरे कौन है तू? उन्होंने मुझे पहले घर के माहौल को ठीक करने के लिए कहा है। तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। ये सच है कि अब लोग पहले की तरह तुम्हें इज्जत और मान नहीं देते, लेकिन अगर जबरदस्ती करोगे तो जो कुछ भी है वो भी चला जाएगा। हाँ, होना है तो हो जाए। तो तुम्हें हो अच्छे से पता है। बस हाँ, ठीक है। अगर तुम मुझे अपने स्कूल के बच्चों की तरह पढ़ाओगी तो देख लेना, अब इसके बाद कुछ मत बोलना। ओ पहलवान, क्या है? तुम उन बच्चों के साथ वहाँ अखाड़े में कुश्ती कर सकते हो, लेकिन अगर मुझसे पंगा लिया ना तो तुम जानते नहीं हो। पकड़ अपनी ये घटिया से ट्यूबलाइट। मेरे घर में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? काम भी ना करूं। वो सुबह के वक्त वापस आता है और पूरे दिन खाली पड़ा रहता है। अरे तुम ये सब कब सीखोगे? कोबरा ने अपना नागिन नाच शुरू कर दिया। देखो अगर ये ऐसे ही पीटते रहेंगे तो जल्दी ही बिस्तर पकड़ लेंगे। तो इन्होंने आज फिर से मार खाई है? बिल्कुल। सिर्फ इन्होंने ही नहीं, दूसरे शहरों से भी लोग जीप पे बैठ कर आते हैं और मार खाते हैं। आज मैं घर कैसे जाऊंगा? क्यों, क्या हुआ? अगर आज मैं घर गया तो उसके भाई को परेशान करने के लिए माँ मुझे बहुत मारेगी। पर परेशान तो उन्होंने हमें भी किया है ना, माँ को बोलो कि थोड़ी सी डांट उनको भी दे। माँ मेरी जान। हे भगवान। कमीना कैप्टन हमेशा मुझे देख के जलता रहता है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो 75 तरह की बीमारियां हो जाएंगी यार, तब ये मालिश बहुत याद आएगी। मैं तो जिंदगी भर मालिश करवाता रहूंगा। अच्छी मालिश की तो ना। पूरी चटक गई। ए दास, यहाँ मत सो, अपने घर जा। नमस्ते। हिटलर का तानाशाही शासन बेचारे जूस के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुका था। माँ, दादी। हिटलर के जीवन का एक ही उद्देश्य था कि सभी जूस का सफाया कर दे। ए, यहाँ पर ध्यान दे। हिटलर की सबसे बड़ी ऊंची यही थी कि वो जूस को पकड़कर उन्हें कैंप में भेज सके। ठीक तरह से पढ़ना। जब से तुमने अपनी इंजीनियरिंग खत्म की है, ये 8वीं बार है कि हम इस तरह बैठ रहे हैं। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? पापा, मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरी कवर ड्राइव बहुत ही अच्छी है और मेरी बॉल भी कमाल की स्विंग होती है। आईपीएल के ट्रायल्स भी चल रहे हैं, अगर मैं एक बार ट्राई करके देखूं। मैंने तुमसे तुम्हारे फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा है। पापा, वैसे क्रिकेट। तुमने एमटेक के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया था ना? पापा, मैं इस बार परीक्षा अच्छे से नहीं दे पाया था, तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांस बहुत ही कम है। मैं अगली बार कोशिश करूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कैसे पता? ये बहुत कमाल का कॉलेज तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए काफी है। यूनिवर्सिटी उतनी अच्छी नहीं पापा, और तो और मुझे तो शक है कि उसके पास एसआईटी से एप्लीकेशन भी है या नहीं। वहाँ भ्रष्टाचार भी बहुत है पापा। तो तुम्हारी नियत वहाँ जाने की नहीं है? मैं जाऊंगा पापा, मैं जाऊंगा। केएसआरटीसी, आईसी, आईआरसीटीसी का सर्वर डाउन है। जैसे ही वो चालू होगा पापा, मैं पंजाब के लिए निकल जाऊंगा। आप भी साथ चलेंगे ना पापा पंजाब? आपकी टिकट तो बुक नहीं करनी है ना? माँ, माँ मेरे बैग कहाँ है? मुझे पंजाब जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं उनके डर से चला ही जाऊंगा, मेरा कुत्ता वहां जाएगा। पहलवान देखकर डर लगता है। क्या पहलवानों को लोगों को डराना चाहिए? पंजाब पंजाब भाड़ में जाए। क्या मुझे उन लोगों से पूछना चाहिए? अरे दास, क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे तमिलनाडु और कर्नाटक में अच्छे कॉलेज नहीं है, इसीलिए तेरा बाप तुझे पंजाब भेज रहा है जो कि पहलवानों का घर है तुम्हें पढ़ाई के लिए? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा है दास। अपनी तरफ से तुमने गलत जवाब लिखे, लेकिन वो सही निकला है। अरे क्या है कि एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, जिसको जरूरत है उसको मिलता नहीं, जिसको नहीं जरूरत उसको बहुत मिलता है। पंजाबी लड़कियाँ, तुम्हें पता है उनका रंग कैसा होता है? ऐसा रंग जो पके हुए गेहूं और गाय के दूध को मिलाने से बनता है, ऐसा होता है उनका रंग। दास बेवकूफी मत करो, अगले हफ्ते हमारा मैच डेसो में डेंजर बॉयज के साथ है। ये कुंजीर मन की हमारे लिए सबसे नई चुनौती है और तुम एमटेक पंजाब में करने जा रहे हो। तुमने बीटेक किया उससे कोई फायदा नहीं हुआ, अब एमटेक क्यों कर रहे हो? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुम्हें जाना भी नहीं चाहिए। मत जाओ। तुम्हें नहीं जाना चाहिए।
तुमसे नहीं उससे कहा। बिजली वापस आ गई। जिस बंदे ने मुझे बिजली विभाग में लगाया, जय हो उसकी। पंजाब पके हुए गेहूं और गाय के दूध से मिलकर बना रंग। पांडी, चेहरा देखकर ही समझ गया था केरला से हो। हाँ, तुम कैसे समझे? तुम्हारी शक्ल देखकर। दास पांडी, मुथु पांडी दास, अंजनेय दास। सारी जगह एक जैसे लगती। हाँ यार, अपना ब्लॉक कौन सा है? सुनो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट कहाँ है? मुझे नहीं पता। कॉलेज सिर्फ लड़कियों के साथ घूमने के लिए आता है, दफा हो जा। अरे यार, लगता है वो हमें रास्ता बता देगी। चल उससे पूछते, आ जा। क्या बात है, हाय, आपकी बुलेट है, मस्त है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कहाँ है, रास्ता बता देंगी। यू नो इंग्लिश? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इज वेयर। गो स्ट्रेट, फर्स्ट राइट, फर्स्ट लेफ्ट, अगेन फर्स्ट राइट, डेड एंड विल कम, राइट साइड G1। बर्नौली थ्योरम हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण थ्योरी है। बहुत सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड्स करती हैं। क्या हो रहा है वहाँ पे? सर, एक बार देखिए ना कि आपके हाथ में सही किताब है या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बच्चों की किताब से आपकी किताब बदल गई हो, क्योंकि बर्नौली थ्योरम हमारे टेलीकम्युनिकेशन में है ही नहीं सर। बढ़िया मेरे दोस्त। हाय, तुम यहाँ? मैं? हाँ, तुम यहाँ? कमिंग। देखो दोस्त, मुझे लगता है कि तुम गलत क्लास में बैठे हो। इससे पहले कि तुम्हें डंडा मारे, यहाँ से निकल जाओ। हमें सिर्फ V3 को ढूंढना है ना? ठीक है, हम ढूंढते हैं। V3 कहाँ है? यहाँ कहीं V3 हम गलत क्लास में आ गए। उस लड़की ने हमें बेवकूफ बनाया। चल निकल यहाँ से। चल। उसने ऐसा क्यों किया? मुझे इसका जवाब चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, उसे जवाब देना ही होगा। चाहे वो झांसी की रानी ही क्यों ना हो, मैं उसे जवाब लेकर रहूंगा। दोस्त, ये पंजाब है, छोड़ूंगा नहीं। रोटी खाते हैं यहाँ के लोग, बार बार के हमें रोटी बना देंगे। हमें सब नहीं करना चाहिए। मैंने उससे 3 बार पूछा था, फिर भी उसने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो खड़ी है, छोड़ूंगा नहीं उसे। ए, तूने हमें गलत रास्ता क्यों बताया? तेरे से क्लासरूम का रास्ता पूछा था। छोड़ मुझे। ना कि लेडीज टॉयलेट का। बोल, खुद को समझती क्या है तू? उधर क्या देख रही है? मेरी बात सुन, दोबारा कोई रास्ता पूछे तो ऐसा मत बोलना कि पहले बाएं जाओ, फिर दाएं जाओ, फिर सीधा जाके मरो। खुद को आईने में देखा है? सड़ा हुआ गोभी का फूल लग रही है तू। ए, हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़। मुंह में हाथ नहीं रखने का। लड़की से ऐसे बात कैसे कर सकता है तू? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूं। तो रुक जरा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बकवास करने की? सॉरी 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 दीदी, बोल दीदी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, झांसी की रानी मेरी दीदी। अरे मैं नहीं चाहिए था। रुक जा, तेरी तो? मैंने कहा था ना, ये तंदूरी रोटी खाने वाले मार मार के हमारी रोटी बना देंगे। देख देख, ये फीमेल ब्रूस भी निकली। चलो यहाँ से निकल लेते। चल, तुझे तो मैं छोडूंगी नहीं। पांडे, चल यहाँ से निकल ले, भाग ले। गलत है, सब कुछ गलत है। एक औरत कभी भी खुश नहीं रह सकती जब भी वो मर्द पर हाथ उठाती है। कुछ लड़कियाँ आजकल नया इतिहास लिख रही है, और तू अभी भी पुराने इतिहास और भूगोल में फंसा हुआ है। आज बाल बाल बच गए प्यारे, नहीं तो हमारी भी तंदूरी बना देती। औरत मर्द को कैसे मार सकती है? वो तंदूरी खाती है तो क्या सबको मारेगी? अगर इस वक्त मैं घर में होता तो भर पेट खाना खा रहा होता, घर का बना हुआ वो लजीज खाना। ये तो सच है, अगर मैं भी घर होता तो बहुत ही बढ़िया फिश करी और चावल, और साथ में एक फ्राई की हुई मछली भी रखी होती, एक पापड़ और साथ में अचार का एक छोटा सा टुकड़ा। और मेरी माँ ना मछली फ्राई बड़ा ही लाजवाब बनाती और है। मेरी माँ जो थलसेरे चिकन बिरयानी बनाती है, झींगा फ्राई, रुमाली रोटी, कालीकट हलवा। कालीकट हलवा? क्या तुमने मटन मसाला और परोठा खाया? टोला मचान की दुकान का परोठा और मटन रोस्ट। तुम लोग परोठा और मटन रोस्ट के लिए इतना पागल क्यों हो जाते हो? हम हैं पराठा और मटन रोस्ट, हम मलयालियों के लिए सिर्फ खाने का सामान नहीं, ये तो हमारी भावना है। ऐसा क्या? दोस्त, तुझे पता है ना? हाँ? वो जो मटन होता है ना, मटन पहले उसको अच्छे से धोते हैं। अच्छा। उसके बाद उसके छोटे 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 टुकड़े कर देते हैं, फिर उन पर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, इन सबको डालकर अच्छे से मिलाया जाता है। ये सब मिलने के बाद उसे उबाला जाता है, और जैसे ही वो पक जाता है उसमें थोड़ा धनिया पाउडर डाला जाता है, साथ ही थोड़ा पिसा हुआ लहसुन, और उसके बाद थोड़ा सा मसाला डालते हैं, फिर थोड़ा सा नारियल का तेल डालकर ढक्कन बंद कर दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद एक बढ़िया सी खुशबू बाहर आती है, तब उसका ढक्कन खोला जाता है,
फिर अगर तुम थोड़ा सा मटन रोस्ट अपने चम्मच से लेकर अपने प्लेट में रखो, फिर एक करारा परोठा लेकर उसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ो और उसे ग्रेवी में डुबाओ, फिर उसमें मटन का एक टुकड़ा लपेट कर मुंह में डालो और खा जाओ। मुझे इसी वक्त पराठा और मटन चाहिए। दोस्त, हम दोनों मटन रोस्ट खाने वाले हैं। पराठा मटन रोस्ट मिल जाएगा? अरे लोगों ने दुकानें चांद पर खोल दी है तो हमें यहाँ क्यों नहीं मिलेगा? तू बाई तरफ जा, मैं दाई तरफ जाता हूँ। आज हम मटन रोस्ट और परोठा खा के ही मारेंगे। मटन, क्या तुम्हारे पास माल है? क्या तुम्हारे पास माल है? भैया, चार परोठा, दो मटन रोस्ट। ओए क्या? मटन के साथ परोठा। मटन परोठा मटन। क्या तुम्हारे पास माल है? क्या तुम्हारे पास माल है? मेरे पास है माल। केरल में कहाँ से हो? कोट्टायम, टोटाकडी। यहाँ क्या कर रही हो? पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। हम भी तो यहीं पढ़ाई करते हैं। अरे सरदार जी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ओ पोस्टर वाले भाई साहब, जरा यहाँ आना प्लीज, आइए। व्हाट अ टाइमिंग यार, थैंक यू। यहाँ देखो, गौ रक्षा दल मटन। रोटी और दाल फ्राई खा खा के परेशान हो चुका हूँ। मुझे मलयाली खाने की बहुत याद आ रही। आसपास कोई करलाइट रेस्टोरेंट है क्या? मैं इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, शायद ये तुम्हारी मदद कर सके। आदिति, मुझे लगता है मैं रोटी और दाल से काम चला लूंगा, जाने दो। अरे इसे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। नहीं, ये सही नहीं होगा कि हम पंजाब आकर भी केरल के चावल और करी खाएं। मेरी माँ हमेशा कहती है कि अगर रोम जा रहे हो तो वही करो जो रोम वाले करते हैं। तुम्हें भी मांस चाहिए? मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, वो कोई कैसे खा सकता है? वो तो हमारी माँ के समान है, हम उसका दूध पीते हैं, खा कैसे सकते हैं? गाय हमें दूध देती है और दूध हम पीते हैं। उल्लू का पट्टा, ये पागल है, मैं अभी वापस आता हूँ। वो मेरा दोस्त है, उसे बचाओ ना प्लीज, वो उसे मार रहे हैं। तुमने तो कहा तुम्हें कोई मदद नहीं चाहिए। अरे मेरी कई बात कोई पत्थर की लकीर थोड़ी थी कि तुम उसे पकड़ कर बैठ गई। बात को समझो। देखो, मेरी हिंदी और इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि पत्थर की लकीर को समझा सकूं। प्लीज इससे बोलो ना कि हमारी मदद करे। वो तेरे कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ जी। तो फिर इन्हें समझा के रख। बच्चे समझ के इन्हें माफ कर दो। चल भाई, माफ कर दो इसे। जा जा, माफ कर दिया। ओए चलो भाई, चलो चलो। खुद को समझती क्या है तू? उधर क्या देख रही है? मेरी बात सुन। सॉरी बोल। सॉरी मैडम, सॉरी। थैंक यू बोल। किस लिए? हवा में उछाल ली जरा सुनना। सॉरी, थैंक यू मैडम, अब और मार नहीं खानी है यार। एक्चुअली मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, एक गाटा कुश्ती प्रतियोगिता के बारे में, नेशनल लेवल का, हमारे अपने मैदान में। क्या कहना है तुम सबका? कुश्ती का मैच तो हमारा खुद का परिवार देखने नहीं आता, शहर तो छोड़ ही दो, और इस पर जो खर्चा होगा वो कौन उठाएगा? ये सब कुछ संभाला जा सकता है अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें चंद्रन। हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी शामिल कर सकते हैं, सुशील कुमार, गीता, योगेश्वर, अगर ये लोग साथ आ जाएं तो स्पॉन्सर्स को लाने में भी मुश्किल नहीं होगी। हम नगर पालिका से भी सहायता लेंगे। हाँ, सही बात है। इसे पर्यटन से भी जोड़ सकते हैं। हाँ। लेकिन जैसा कि चंद्रन ने कहा है, अगर हम चाहते हैं कि घर पर बैठे लोग इस अखाड़े में आएं, तो हमें एक अच्छी पहल करनी पड़ेगी। देखो, जो भी तुमने कहा हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन हमें तुम पे विश्वास है, हम तुम्हारे साथ हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, सही है ना? हाँ, अगर सब तैयार है तो ताली बजाओ। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पराठे और गोश्त नहीं मिलेगा। हा? मैं मैच देख रहा था, ये लड़की बहुत बढ़िया खेलती है, लेकिन मैं इसे कुछ बताना चाहता हूँ। इस बार ये जीत गई क्योंकि सामने वाली लड़की कमजोर थी, तो हमला करते हुए इसकी कमर का निचला हिस्सा मैट को नहीं छू रहा था। ये कमजोरी है, ओपोनेंट इसे आसानी से गिरा सकती है। अगली बार जब ये लड़े तो इसे कहो कि इस बात का ध्यान रखे। चलता हूँ।
बकवास नहीं कर गया भाई? कुश्ती से तेरा क्या वास्ता? कुश्ती का लेना देना सिर्फ कपड़ों से नहीं है, बहुत सी दूसरी चीजों से है। और कुछ भी नहीं, चल। हे, मेरा दोस्त कुश्ती चैंपियन है। उसका कहना सही है, बस ये नहीं पता कि वो ये सब कैसे जानता है। हेलो हेलो बलेटा, कैसे क्या बात कर रहा है? जरा एक मिनट आवाज में बता। चल भाई तेरी बात। हाँ बोल, क्या चल रहा है वहाँ पर? मेरे बगैर पूरा शहर कैसा लगता है? वो लोग आ जाएंगे। बलेटा शाम को फोन करता हूँ, अभी कॉलेज में हूँ। हाँ ठीक है। कॉफी कॉफी? हाँ बोलो। हाँ। ना बोलो। टू कॉफी प्लीज। हटना जरा। अरे भाई क्या कर रहे हो? मैं यही खड़ा था। जाओ लाइन में लगो, जाओ। मेरी जगह में यही खड़ा था। चल जा पीछे। अरे हटो। ए छोड़ दे, दोस्त है मेरा। वन टू सैंडविचेस एंड टू मिक्स फ्रूट जूस। यार मैं क्या करूं यार, कितनी देर से अदिति का दोस्त है तो तूने उसे कैसे छोड़ दिया? तो मैं क्या करता? हे सब कुछ तेरी वजह से हुआ। अरे चुप मैं है। तुम्हें इजाजत देने की जरूरत नहीं है, पब्लिक प्लेस है। पहले मुझे मिलना चाहिए जूस। अरे वो उसका दोस्त है ना, चला गया। ये सैंडविच तुम्हारी और ये मेरी। मैंने तुमसे कोई सैंडविच नहीं मंगाया था। अरे तेरी वजह से हुआ। ऊपर से मुझे तक कर रहा है। मैंने ना कहा। मैं तुझे समझा रहा हूं, हाथ मत लगा। हां तूने मेरी बॉडी देखी है? अरे क्या तुम रेस्टोरेंट में जैसे कभी था? छोड़ी क्यों? मैं तैनू दिखाता हूं। पहले मैं लूंगा, मैंने नंबर लगाया था ना। वैसे तुम्हारी टिप अच्छी थी, इट हेल्प्ड मी। कब से मैं खा रहा हूं? क्या क्या लड़ेगा तू? मैंने थैंक यू नहीं कहा। अरे हट हट। मैं वो तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर लगा कि तुम कहने वाली थी। तो तुम मेरा चेहरा पढ़ के अंदाजा लगा रहे हो? आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। पता है कि बात के बीच में से जाना अच्छा नहीं है। नहीं मैं गया कहीं, यहीं खड़ा हूं मैं तो। लेकिन मुझे क्लास में जाना है और अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम मेरी परमिशन के बिना नहीं जा सकते, यहीं खड़े रहो। बलजीत क्या नाटक चल रहा है ये? हाँ कितनी बार कहा है? हाँ क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? कहा ना मेरा दोस्त है, फिर क्यों परेशानी है? हाँ चलो जाओ लाइन में लगो। चलो यार चलो लाइन में चलते हैं, लग जाओ लाइन में यार। चलो यार दोस्त है उसका यार, छोड़ो। हे भगवान अब क्या मेरी बारी है? पता नहीं क्या समझते अपने आप को, बदतमीज इंसान। आदिति सिंह असली पंजाबी, आंजनेय दास असल मलयाली। दास? हाँ। तो तुमने पंजाब देखा? Not really. नहीं? तुम्हें देखना चाहिए, वहाँ का कल्चर वगैरह तुम्हें पसंद आएगा। मैं एक पंजाबी शादी में जा रही हूँ, तुम साथ चलोगे? हाँ क्यों नहीं। बढ़िया। हाँ मैं तुम्हें कल मिलती हूँ फिर। Yeah, cool. अब तुम वो सैंडविच खा लो। ठीक है। ये कह दे तेरे संग ऐसे चल दूंगी तू जिस पल, तो ये कह दे हे हाय। डांस खत्म हो गया? व्हाट हैपेंड? मुझे एक बात बताओ, एक लड़की कितना बड़ा सपना देख सकती है? सबसे पहले अगर वो लड़की एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से है तब तो वो सपने नहीं देख सकती, पता है? मतलब कोई भी नहीं चाहता कि कोई साक्षी मलिक उनके घर में पैदा हो जब तक कि वो कोई एक ओलंपिक मेडल ना जीत ले। हम कुछ बोल ही नहीं सकते, पता है? मतलब हमें सपने देखने की इजाजत ही नहीं है। घर वाले बस यही चाहते हैं कि हम शादी कर लें, बच्चे पैदा करें और अपने हस्बैंड का ख्याल रखें और फिर पूरी जिंदगी उनकी गुलामी ही करते रहें। अगले हफ्ते मेरी शादी है। बहुत टाइम से मेरा भाई मेरी शादी कराने की कोशिश कर रहा है और मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ। तो तुम भाग क्यों नहीं जाती? इतना आसान है क्या यार? और कितना दूर भाग सकूंगी मैं सब कुछ कर चुकी हूं।
लड़कों की तरह बिहेव करती हूँ, लड़कों से लड़ती हूँ, उन्हें हरा देती हूँ। आई मीन आखिर में मैं भी एक लड़की हूँ। पता है कभी कभी बहुत हेल्पलेस फील करती हूँ, खुद को मार देना चाहती हूँ, परेशानियां ही खत्म। अच्छा चलती हूँ, मुझे कल पटियाला भी जाना है, शायद कल मेरी जिंदगी का आखिरी मैच होगा। तो वापस जाओ, हैव फन, आई बी फाइन, आई एम फाइन। Hey, can I come with you? मैं तनु बहुत प्यार करता। मैं तेनु बहुत प्यार करता हूँ, शाहरुख खान स्टाइल। जुजू चलो, मैंने कहा ना चलो, नहीं ये बहुत हो गया। भैया प्लीज छोड़ दो मुझे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चलो मेरा लास्ट मैच है भैया, प्लीज छोड़ दो। मैंने कहा ना नहीं। हेलो हेलो, व्हाट्स हैपनिंग सर, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है? कौन है तू? आई एम हर फ्रेंड, आप कौन है? मैं इसका भाई हूँ और ये मेरा फैमिली मैटर है, बीच में नहीं बोलेगा तू? आई नो व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन यू टू। क्या पता है तुझे? इसकी परमिशन के बिना आप इसे नहीं ले जा सकते। मुझे तेरे से परमिशन लेनी होगी, तेरे से परमिशन लेनी होगी। मेरे साथ आई है, मेरी बहन है, वो जो मर्जी आए वो करूं, तुझे क्या लेना देना उससे? तुझे क्या करना है बोल ना, पूछ रहा हूं। मुझे हाथ मत लगा। पीछे चल, सर को मारेगा तू, हमारे सर को मारेगा। भैया प्लीज, मुझ पे हाथ उठाता है तेरी टांगे तोड़ दूंगा। भैया पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाता है, चमड़े उतार दूंगा तेरी मैं। अच्छा मुझ पे हाथ उठाया तू, मुझ पे हाथ उठाया? पुलिस वालों को मारेगा। जो भी है उसके लिए मुझे माफ कर दे यार, रियली आई मीन इट। अब मुझे जाना होगा वरना बात और बिगड़ जाएगी। जल्दी चल, पता नहीं तुम्हें फिर कभी मिल पाऊंगी, बट थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम इसलिए वापस आ गए ना क्योंकि तुम्हें वहां पीटा गया है ना? खाओ, तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा। मैंने अपने सारे पैसे खर्च करके तुम्हें वहां पढ़ने भेजा और तुम अनजान जगह में अनजान लोगों से मार खाकर वापस आ गए ताकि हमारे परिवार का अपमान हो। मैंने कहा था मुझे उस अनजान शहर में भेजो। पंजाबियों ने तुम्हें पीटा ये बताया, लेकिन क्यों पीटा ये नहीं बताया? किसी लड़की के चक्कर था क्या? पंजाब में पिटाई कैसी होती है यार? बलेटा मुझे गुस्सा मत दिला। दिलाऊंगा, जरूर दिलाऊंगा। और एक बात बताऊं, तेरे साथ जो हुआ ना वो बहुत कम हुआ। विजेता वैसे भी तेरे बाप की कुश्ती की प्रतियोगिता को रोकने वाला है, बाकी जो कमी वो पूरी हो जाएगी। विजेता हाँ, बाकी तुम बता दो। हाँ क्या हुआ? विजेता उन्हें करने दो, ये सब पहले जैसा नहीं है। पापा और बाकी लोग इसके बारे में बहुत गंभीर हैं। इतना बदलाव कैसे? क्या तुमने यूथिज्म छोड़कर पहलवानों का क्लब ज्वाइन कर लिया? मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ शहर के उन सारे नौजवानों के लिए। जानता हूँ मैं,
इस मैदान में स्टेडियम बनवाकर नौजवानों को वोट हासिल करना चाहते हो? चाहते कि मैं यहाँ राजनीति का खेल खेल नहीं विजेता, उन्हें वहाँ कुश्ती करने दो या जो भी वो चाहें, हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिए वरना हालात और बुरे हो जाएंगे। देखो अगर होता है तो हो जाए, और तुम्हें अगर डर लग रहा है तो तुम्हें शामिल होने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपने अखाड़े में, तुम तो पहले भी वहीं थे। यहाँ क्या होना है सिर्फ मैं बताऊंगा, समझे? विजेता बहुत हो गया। विजेता शांत हो जाओ, वो तो बस सलाह दे रहा है ना। ये कौन होता है सलाह देने वाला? दिमाग में जो बात आती है वही तो सलाह होती है। दास तुम भी चुप रहो। ए सुनो, हमें पता है कि हमें लड़ाई कैसे निपटा लेंगे आपस में। वाह वाह क्या बात कही, अब तुम भी अपने बाप तो क्या मुझे अपने बाप की बजाय किसी और के बाप की तरफ बोलना चाहिए? बाप की तरफ व्यवहार बंद करो, बीच में टांगड़ाते हो तुम। विजेता क्या हुआ? देखो आपस में लड़ते रहते हैं यार, हर बात पे लड़ाई झगड़ा। अच्छा चलो, जो तुम करना चाहते हो मैं आऊंगा। ठीक है, क्या हुआ? दोनों आपस में मान गए? चलो अच्छा हुआ मान गए, चलो भाई काम में लगो। चलो 3.5 है ना? हां बराबर है। अरे पोकर चलो उतना ही ऊंचा अखाड़ा बनाते हैं जितना कि हमेशा बनाते आए हैं। हाँ ठीक है, दर्शकों के लिए ये अच्छा रहेगा। कैप्टन हाँ, ये नहीं हो सकता। विजय ने कोर्ट में जो शिकायत की थी उसका फैसला आया है। हाँ? शिकायत? हाँ, इस मैदान पर उसका भी उतना ही हक है जितना कि हमारा। अगर हमें यहाँ कोई प्रोग्राम करवाना है तो उसके परमिशन की जरूरत पड़ेगी। गुप्त रूप से कोर्ट में याचिका दाखिल की और कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो भी उसके पक्ष में। अरे यार सचिन खेल रहा है। क्या तू मैच देख रहा है? अरे जितना भी सामान पड़ा है सब उठा लो, अंकल यहाँ कभी भी आ सकते हैं। वक्त बर्बाद मत करो, शुरू हो जाओ। ए, ए, क्या कर रहे हो? ये दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सामान पैक करने के बजाय तुम लोग सामान को तोड़ क्यों रहे हो? बोलो। तेरी तो, तू यार टीवी देख रहा है? अभी बंद करता हूँ टीवी। मुझे ऊपर आने के लिए लोगों ने मना किया था, पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। माफ कर दीजिए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। ओके, तुम सब बच गए। अरे संभल कर, यहाँ फर्श पर कांच के टुकड़े हो सकते हैं। अच्छा वो जल्दी चले गए, वरना दीवारों को भी आग लगानी पड़ती। देखो विजय ऐसा मत करो, तुमने देखा नहीं तुमने केस डाला तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुम्हारा क्लब तुलवा दिया। अगर तुमने फिर से कुछ किया तो पागल हो जाएंगे, फिर हमें शहर छोड़ना पड़ेगा। हम नहीं छोड़ेंगे। ए मजो लड़के का, वो बस पहुंच ही रहे हैं। एक काम करो, देशमों से भी लड़कों को बुला लो और ओनाटुमुकु से रेड स्टार्स को बुला लो। अच्छा कोई क्लब बचे नहीं, आज से सभी लड़के यहीं खेलेंगे क्रिकेट का मैराथन। अब युद्ध होगा। हाँ युद्ध ही समझो, युद्ध ला रहे मेरा हथियार नहीं है। क्या हमें यहाँ की मिट्टी में खेलना चाहिए? क्रिकेट के बजाय कबड्डी खेलते ना। हमें 2 बोरे बीज ले आने चाहिए थे। हम मिनिस्टर का सहारा लेते हैं, वो तेरा दोस्त है ना कुट्टीपुड़ा का MLA, उससे बात करते हैं। इस छोटे मसले के लिए हम उसे फोन नहीं कर सकते भाई, ये सब मसले तो खुद ही सुलझा सकता हूँ। रमनी को बोल एक गिलास नींबू पानी। हम ये सब नहीं होने दे सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अपनी बकवास बंद करो और घर वापस जाओ। अबे तू किसकी टीम में है? सुनो मुझे लगता है कि हमारे साथ इससे भी कुछ बुरा हो सकता था, सही कह रहा हूँ? हाँ पांडी बोल। अच्छा सुन, मैं कई दिनों से अदिति का नंबर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नंबर लग नहीं रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। क्या है? शादी कब? अब एक मिनट रुक, दूसरी कॉल आ रही है। अरे अदिति मैं तुम्हें फोन लगाने की कोशिश कर रहा था,
आवाज कम कर दे। कितनी बार कहूं तुझसे, ये मुझसे कह रही कि मैं इसे अपने घर ले आऊं। तेरे घर ला सकता हूं बलेटा। देख मुझे घर में 3 बार खाना मिलता है, वो भी मछली के साथ, पैसे भी मिल जाते हैं बिना मांगे हुए। ये सब बंद मत करवा प्लीज। तो फिर इसे कहां पर लेके जाऊं बता? वैसे मेरा घर तो खाली है भाई। अपना मुंह बंद रखो, ऑटो चला, समझ गया? क्या? अरे मैं इस ऑटो वाले को कह रहा था यार, मुझे अभी भी शक है तुम दोनों के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। नहीं यार बलेटा, कसम से ये बस मेरी दोस्त और कुछ नहीं। फिर वो तेरे पास कैसे आ गई, वो भी सीधा पंजाब से? मैंने तुझे बताया था ना बलेटा, इसके घर में थोड़ी सी परेशानी थी। इसके भाई ने इसकी शादी पक्की कर दी थी तो ये वहां से भागकर यहां आ गई। कोई भी यहां तक इसे ढूंढने नहीं आएगा, है ना? अगर टाने में चावल हो तो चूहा उसे पंजाब से भी ढूंढता हुआ आएगा। इससे मुझे याद आया, क्या इसे टाँड में छुपा दे? इसे पाने के घर में क्यों नहीं छुपा देता, वहां कोई नहीं देख पाएगा। कल सुबह अंकल आंटी के उठने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा, फिर हम सब आराम से बैठ के सोचेंगे, ठीक है ना? ओके मम्मी। ए रुक, कम कितना हुआ? 150 रुपए। ये ले, फोन साइलेंट मोड पर रखो। अरे बापे, जा। वो क्या अखाड़ा है? हाँ, क्या अखाड़ा है? आओ। कहाँ से तुम? फ्रेंड, दोस्त है मेरी। वाह, चिप्स दे दो। मेरी बच्ची, पंजाब से निकलने से पहले तुमने इसके बारे में पता क्यों नहीं किया? कम से कम आने का किराया तो बचा ही ले। खड़े हो जाओ और जाकर दंड बैठक लगाओ। प्लीज तब तक बाहर मत निकलना जब तक मैंने कहा। ओके, पर मुझे बहुत भूख लगी है। भूख? कौन सी भूख? भूख नहीं, भूख, खाना। इतनी रात को तुम्हें भूख लगी है? चिप्स, एक दे दो, एक दे दो ना, एक। नहीं, मेरे साथ चलो। प्लीज कहा ना, मैंने, मेरे साथ चलो। अरे दे दो, दे दो। अरे दास, ये लड़की तुम्हारी दोस्त है या प्रेमिका? देखो, कल सुबह मैं सारी बात तसल्ली से बताऊंगा, लेकिन इस वक्त इसका किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा। और कल सुबह माँ और पापा के उठने से पहले मुझे जगा देना। समझ लो, हो गया। भूलना मत। नहीं भूलूंगा। ठीक है। गुड नाइट। असल में मुझे तो बेकार चिप्स भी चलेंगे। उस तरफ नहीं, इस तरफ। ओह सॉरी। बाय बाय, गुड नाइट। दास, मुझे मारना मत, बहुत देर से जगा रहा हूँ तुम्हें। कैप्टन और टीचर जाग चुके हैं, तुम्हें जो भी कुछ कहना जाके सीधा कह दो। अदिति कहाँ है? अरे वो तो मजे से खा रही है डाइनिंग टेबल पर। डाइनिंग टेबल? तुम थोड़ी देर बाद नहीं जा सकती? नहीं, मुझे सिलेबस खत्म करना है, एग्जाम शुरू होने वाले हैं। रुको, क्या तो? मम्मी पापा वहाँ पहुँच गए, अब क्या करें? अरे तो कुछ करो ना। ये कौन है? अप्पू नहीं है क्या? ये तो जवान लड़की है। हाँ, जरूर उसकी डांस टीचर होगी। ऐसी कौन सी डांस टीचर है जिसे मैं नहीं जानती? हम टाँड में छुप जाएं क्या? ए पहलवान, सच बताओ, सारी दुनिया में तुम अपने कुश्ती घुमाकर लाए हो क्या? ये अपने बाप को ढूंढती हुई नहीं आई है? अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानती क्या? हाँ नहीं जानती, यही सही है। ये कौन है माँ? शायद तुम्हारी बहन है, अपने पापा से पूछो। तो ये तुम्हारी दोस्त नहीं है? मेरी दोस्त नहीं है वो। फिर कौन है ये? तुम पीछे क्यों जा रहे हो? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये कौन मैंने है। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम मुझे मत देना। तुम कौन हो बेटी? क्या? Who are you? आदिति। हाँ मैं समझ गई, लेकिन कौन आदिति? क्या? नॉर्थ इंडियन। क्या हुआ? ये दास की दोस्त है। चंदन सब दन। दास, दास, कैप्टन तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी आओ। क्या हुआ पापा? कौन है ये लड़की? क्या ये तुम्हारी दोस्त है? बताते क्यों नहीं? क्या ये तुम्हारी दोस्त है? अब बलेटा की दोस्त है ये। पापा तेरी दोस्त के बारे में पूछ रहे, बता ना। तुमने कहा था तुम सुबह जल्दी आओगे, देर से क्यों आए? मेरी दोस्त है। तुम्हारी दोस्त है, लेकिन ये लड़की तो नॉर्थ इंडियन है और तुम तो केरल से बाहर कभी गए ही नहीं। फेसबुक फ्रेंड। तुम्हारी दोस्त यहाँ क्यों रह रही है? तुम्हारे घर में जगह नहीं है क्या? वहाँ पुताई चल रही है।
और वहाँ बिजली नहीं है, चल और स्प्रे पेंट तभी होगा जबकि वहाँ पर बिजली आए। ये लड़की इतनी दूर से अपने दोस्त से मिलने आई है, और वो दोस्त दूसरी दोस्त के साथ दुबई चली गई है पूरे परिवार से मिलने के लिए। इसीलिए मैंने सोचा क्यों नहीं ये लड़की अंकल और आंटी के साथ रह जाए कुछ दिनों के लिए। यहाँ रहना तो ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे खाएगी तो मैं इसके लिए खाना नहीं बनाऊंगा। देखिए डोसा और चटनी मैंने टीचर के लिए बनाई थी ताकि स्कूल ले जा सके, देखिए सब खा गई है। डोसा नहीं बचा? डोसा तो नहीं है, चटनी बची है, लेकर आऊं क्या? तुम साथ नहीं आ रहे हो क्या? मैं आ रहा हूं। कमीने कहीं के? अरे मेरे प्यारे दास को छोड़ो, जब से ये लड़की बीच में आई है तुमने लड़ना शुरू कर दिया। अरे दास मैं चाय लेकर आता हूँ। मेरे दिमाग में नॉर्थ इंडियन एक बंगाली थी यार, अगर मुझे पता होता कि लड़की इतनी सुंदर है तो मैंने इसे अपने घर में ही छुपा लिया होता ना। वलेटा, ये लड़की मेरी जिम्मेदारी है और मेरी कमजोरी भी। वलेटा, आशीष की सारी जिम्मेदारी मेरी है। हाय, आपका ये दोस्त बहुत डरपोक है, अपने बाप से बहुत डरता है। आप पहलवान हो क्या? हाँ, पर आपको कैसे पता चला? मेरी आंखें हैं ही इतनी कमाल की, देखते ही पता लगा लेती हैं। अब बहुत मजाक किया है। हे सुनो, घर के पास एक कुश्ती का अखाड़ा है। हाँ, अखाड़ा? हाँ अखाड़ा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ओके, कम कम कम। अदिति मैं वो, ये हमारे पापा का अखाड़ा है ना। तेरे संग घूमूं प्यार की ये दुनिया, स्वर्ग जैसे लागे। बारिश में मैं भीगूं, तेरी मेरी मैं चलूं। हर गम को मैं छोड़ूं, खुशियों की ये हाथ थामूं। I'm not afraid to die।
काश कि मेरी जिंदगी मिल जाए मुझे अभी। ये देखो चिड़िया पंजाब में इसको क्या बोलते हैं? मलेटा ये अच्छी रहेगी। प्लीज मैं भी आया। क्या है मलेटा तुम्हारी मंशा क्या है? उसके आसपास ऐसे मंडरा रहे जैसे गुड़ के आसपास मक्खी। देख अगर मेरे निकनेम से बुलाया ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। सुनने में बेला लगता है, समझ गया ना तू? मलेटा अदिति उस तरह की लड़की नहीं है जिस तरह की तुम सोच रहे हो। लेकिन वो बिल्कुल वैसी है जैसी लड़की मैं सपने में देखता हूँ। आपको यहाँ सब कुछ तोड़ देना चाहिए बॉस। गुब्बारे फोड़ने में बहुत मजा आता है। ये देखो ये लो फोड़ो बॉस। क्या रे रो रहा है, चल निकल यहाँ से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे अपने पीछे पड़ने वाले लोग पसंद नहीं आते। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुमसे किसने कहा कि मैं उसके पीछे पड़ा हूँ? खूबसूरत है ना बॉस? ये तो बढ़िया है बॉस। मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन जो चीज उसे पसंद नहीं उसके लिए वो रेट करती, जो तुम्हें दुख पहुंचा सकती है उसे प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए। लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। जरा ये वाला दिखाना मुझे। हाँ ये वाला। सॉरी बोल। सॉरी बोल। ओ क्या बात है, बहुत बढ़िया है। सुना नहीं? सॉरी बोल। अरे रे रे तीखी मिर्ची भड़क गई। सॉरी बोल तुझे हम सॉरी बोले। सॉरी बोल। सॉरी बोले भाई, इसको सॉरी बोले। आगे मत बोलो तो। अपन लड़की को सॉरी नहीं बोलता है। सॉरी बोल। सॉरी नहीं बोलेगा तो क्या कर लेगी तू? मुझे बता क्या कर लेगी की लड़की क्या समझती है अपने आप को तू? तूने इसको मारा तेरी तो कौन है तू? हाँ हमारे शहर की लड़कियों से बदतमीजी कर रहा था। तू हमारे बीच में आया, अब तो तू गया। तू तो गया काम से, तेरी तो लाश जाएगी अब। ए ये स्टिक दे मुझे। बॉस छोड़ने का नहीं इसको। क्या बोल रही है? इसको देखकर लगता है ये तो पक्का कराटे है। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। इस लड़की ने क्या पिटाई की है दोनों की, कराटे करती है, कुंग फू भी। अरे नहीं, ना तो ये कुंग फू है और ना ही कराटे, ये तो कुश्ती है, असली गाटा कुश्ती। कुश्ती? हाँ। लड़कियाँ हम कुश्ती सीख लेंगे तो हम भी मर्दों को ऐसे पीट पाएंगे ना। मेरा मर्द तो जब भी पीकर आता है हमेशा मुझे मारता है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि कैप्टन के अखाड़े में जाओ और मार्शल आर्ट सीखो। विजयदा वो यहाँ मार्शल आर्ट सीखने नहीं आई है, शादी पक्की हो गई तो उसके सामने और कोई रास्ता नहीं था। अरे तो पंजाब से सीधा केरल क्यों आ गई? यहाँ के पहलवानों की वजह से धोती ढीली रखता हूँ, अगर ये पंजाबी भी उनसे जुड़ गई तो अपनी चड्डी भी उतारनी पड़ेगी। विजयदा विजयदा 4-5 दिनों की बात है, वो वापस चली जाएगी। 4-5 दिन? अब तो मैं उसे यहाँ 1 दिन भी नहीं रहने दूंगी। उसके लिए क्या क्या झूठ बोले थे ये बताओ, तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने कुछ नहीं कहा था, तुमने कहा था। जैसा कि तुमने कहा उसे इतनी जल्दी घर वापस नहीं भेज सकते। क्यों? अगर आ सकती है तो वापस भी जा सकती अगर है। अगर वो वापस गई तो उसके रिश्तेदार उसे मारेंगे। तुम नहीं जानती कि ये नॉर्थ इंडियन कैसे होते हैं, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे मार भी देंगे। तो क्या इसे चूमेंगे जिसने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाई हो? लगता है सर्दी की दवाई लेनी पड़ेगी। अरे लोग क्या कहेंगे? मैं सबको अभी बता रही हूँ, मुझसे तभी बात करना जब इस लड़की को कल सुबह घर भेजोगे, समझ गए ना? तुम क्या देख रही हो? चलो अंदर चलो। क्या फैसला हुआ भाई? वो लड़की रहेगी या जाएगी? अभी पता हाँ। चल जाएगा। हाँ। रनिंग करते हुए अच्छी लगती है ना? बात बोलूं, बिना दौड़ते हुए भी मुझे अच्छी लगती है।
कोल्हापुर प्रतियोगिता हमारी पहली प्राथमिकता है। ये देश की बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक है। अब से सिर्फ तुम बेसिक्स और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पर ध्यान लगाओगी और रमेश यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए अखाड़े में रहेगा। कैप्टन को कुश्ती के लिए केरल में कोई नहीं मिला तो सीधा बंगाल से ही मंगवा लिया। बंगाल से नहीं है वलसेटा, पंजाब से है, मैंने तो यही सुना है। फिर तो ये पक्का है, दास पंजाब में पढ़ने गया था ना, ये उसी की चाल है। ये सब बंद करोगे? अरे अभी तो शुरू किया है, थोड़ा गप्पे मारने दो ना, फिर बंद कर दूंगा। अदिति एक अच्छी पहलवान है। हाँ बिल्कुल, लेकिन बिना ट्रेनिंग पार्टनर के वो मैच के लिए कैसे प्रैक्टिस करेगी? हमें बस एक पहलवान की जरूरत है, कोई भी लड़की जो बेसिक्स जानती हो। इससे बहुत दिन पहले कुश्ती सीखी थी, अभी तक भुगत रहा हूँ। अगर आपने इसके अंदर का सोया पहलवान जगा दिया तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। बेहतर ये होगा कि यहाँ से जाएं और किसी और को ढूंढ लें। ये धमकी नहीं, गुजारिश है। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मेरी बच्ची, तुम्हें कुश्ती नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें बस वहाँ पर उसके साथ रहना एक सपोर्ट की तरह। देखो ना माँ, पापा मुझे कुश्ती सीखने को कह रहे हैं। अरे नहीं, ये याद है कि पाकिस्तान के पहलवान ने कौन से रंग की चड्डी पहनी थी, लेकिन ये पता है कि अपने बच्चे को अस्थमा है। अस्थमा? बहुत बढ़िया, तुम्हें अस्थमा है बेटा। अप्पू ने बताया था कि आप में से कुछ लोगों ने बचपन में कुश्ती खेली है। मेरे लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग वापस आकर मेरी मदद कर सकें। यार मुझे लगता है ये हमसे पैसे मांग रही है, मुझे तो यही समझ में आया। बलटा प्लीज। प्लीज बोल रही है, अब क्या करें? बाय बाय। क्या कहा उसने? तुम इतना उछल के हो रहे हो? वो हमसे कुश्ती के लिए मदद मांगने आई थी। छोड़ो ऐसे कैसे? अंकल अंकल तुम सब यहाँ? सर गुड मॉर्निंग, हम लोग यहाँ पर कुश्ती सीखने आए हैं। अच्छा, जब लड़की यहाँ आ गई तो तुम लोग भी कुश्ती सीखने आ गए? नहीं, वो हमारे पास आई थी और हमें यहाँ आने के लिए जोर दे रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा पेट ही कम कर लें। पेट को घटाने के लिए कुछ दिन दौड़ना शुरू करो, फिर हम फैसला करेंगे कि अंदर रखना है या वापस भेजना है। ये हमारे साथ दौड़ेगी, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं रखना चाहता। इस शेड के आसपास? शेड नहीं, अखामा, अखाड़ा। एक काम करो, इस जमीन पर अखाड़ा 10 बार लिखो और याद करो, उसके बाद शुरू कर सकते हो। बोलो तो यहीं पर लिख दूं? हाँ, बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। आजकल इस शहर में हर कोई कुश्ती की ही बात कर रहा है। अरे दास, तेरा क्रिकेट कैसा चल रहा है? तो तुम पंजाब वापस नहीं जा रहे हो क्या? तुझे देख कैसा लग रहा है कि तू किसी टेंशन में है यार। तुमने अखाड़ा क्यों ज्वाइन किया? जानता हूँ उसे पटाना चाहते। अच्छा? लेकिन उसके साथ मत करना है सब। ए, वैसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है, हम सिर्फ पेट के लिए कर रहे हैं। देख जरा है? उस दिन मैंने तुझे साफ साफ पूछा था ना कि कौन है, तो तूने क्या कहा था? ये सिर्फ मेरी फ्रेंड है, कहा था ना। तो अब ऐसे ही चलने दे, बीच में टांग अड़ाने की कोशिश भी मत करना। ये बना क्या कह रहा है? अरे अरे बोला, छोड़ यार, रुक रुक, अरे क्या कर रहा है? छोड़, झगड़ों मत, केले केला खा, छोड़ और इधर आ। क्या तुमने फिल्मों में कभी हीरोइन को विलेन के पीछे भागते देखा है? टक टक डिंग डिंग टक टक डिंग। नहीं। क्या कभी हीरोइन विलेन से प्यार करती है? नहीं। हाँ, वो हमेशा हीरो से ही प्यार करती है। अब तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं? पाल
पालक पनीर जैसे कि पूरे बाजार में मछली है ही नहीं। इसमें तो सूखी रोटी और दाल सब्जी के अलावा कुछ नहीं है। वो शाकाहारी है, उसके लिए थोड़ा तुम पालक पनीर बना दो। हाँ हाँ, पालक पनीर वो भी पंजाब से मंगवा लो। मुझे खाने में कम से कम एक बार मछली तो चाहिए ही। तो फिश पनीर दोनों बना दूं? फिश आपके लिए, पनीर उसके हाँ, लिए। बढ़िया है। मेरी बात सुनो, आज से तुम इस रसोई में वही खाना बनाना जो वो भी खा सके। ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझ गए ना? रुको जरा, अगर वो चावल खाकर मोटी हो गई ना तो मैं तुम दोनों के सिर कलम कर दूंगा। मैं उसका सिर कलम कर दूंगी। और हाँ, जो मैंने कहा उस पर अमल करना, समझ गए ना? अब ऐसे निकर घर में मत पहना, समझा? अरे माँ, ये निकर नहीं है, बॉक्सर है। बॉक्सर कुकर जो मर्जी हो मेरी बला से। अब यहाँ पूरी जवान रेफ्यूजी रहती है, आज से अपना सारा सामान उठाकर इस घर से बाहर रहने लगो। चलो चलो चलो। बेटा, अरे बेटा, क्या हुआ पापा? बेटा अदिति, वो नहा रही है। वाह, अभी से पटक दो। क्या ये कोल्हापुर में इस मम्मी से लड़ेगी? बताना भाई, काश में डमी पैदा हुआ होता। उठाओ, अरे हिप का इस्तेमाल करो। कैप्टन, अगर कोल्हापुर में इसे अच्छे से लड़ना है तो इस डमी से काम नहीं चलेगा। कोई इशू नहीं है कैप्टन, मैं तो पंजाब में लड़कों से ही लड़ा करती थी, उन्हें पीटने में बड़ा मजा आता है। कल से तुम में से हर एक को अदिति से कुश्ती करनी पड़ेगी यहाँ अखाड़े में। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मैं तैयार हूँ अंकल। हम भी तैयार हैं अंकल। कैप्टन, क्या लंगोट खुद से ही लाना पड़ेगा कि आप दोगे? तेरे तो चिथड़े उड़ेंगे बेटा। मरेगा ये। तुम मुझे यहां कल से दिखना भी नहीं, और सिर्फ कल ही नहीं, कभी भी नहीं। वो किस तरह के कोच है? एक लड़की को लड़कों के साथ कुश्ती सिखानी चाहिए? हमें कोई खास महिला पहलवान नहीं चाहिए, कोई ऐसी जिसे बेसिक्स आते हो। इस राज्य में ऐसा कोई पहलवान है जिसे तुम्हारे पापा ना जानते हो? करिका, मैंने सुना है आजकल वो लड़कों से कुश्ती कर रही है। काश मैं भी कुश्ती में आ पाता, मजे ही मजे। क्यों, तुम भी जाना चाहते हो? हे भगवान, नेक्स्ट। अरे तू जाना। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जाना जाना, मुझे सर्दी है। जानपा, फिश करी कहाँ है? जल्दी लेकर आओ। बस अभी लेकर आया, आधे घंटे में। One piece, fish please. नहीं। बालन, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं अंकल, मुझे तो दाल बहुत पसंद है, मैंने मछली नहीं मांगी। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, कुश्ती की ट्रेनिंग के बाद तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? मेरा मतलब नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया। आने वाले दिनों में तो और भी मजा आने वाला है। तो मैंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता है तुम कितने क्यूट लग रहे थे, बिल्कुल टेडी बेयर की तरह। दास, दास, अरे अदिति, यही बैठे रहो, खाना खत्म कर लो तभी उठना। दास, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी मंशा क्या है? मेरा मुंह मत खुलवाओ। हाँ, तभी कुश्ती सीख सकती हो जब उस बंदर को गले लगा। इसे कहते हैं कुश्ती। अच्छे घर की लड़कियां लड़कों को गले लगाकर कुश्ती नहीं सीखती। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वो बोलना तुम्हारा क्या लगता है? तुम बड़े क्यूट हो, और वो कोई टेडी नहीं है बल्कि
उल्लू का पट्टा है, सुअर है, भैंसा है वो। तुम क्या कह रहे हो? अब इसे मैं कैसे समझाऊं? देखो, तुम उन असभ्य लोगों के साथ ट्रेनिंग क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है वो बलेटा, वो बहुत ही बेकार लड़का है। मैं इतना सा बड़ा था तब से जानता हूँ, वो एक लफंगा, एक धोखेबाज है। मुझे ये सब पसंद नहीं, और अच्छी लड़कियां नहीं करती। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हें नहीं पसंद? और ये अच्छी लड़कियां और बुरी लड़कियां वाला नाटक क्या है? मेरा मतलब अच्छी लड़कियां मैं ऐसा नहीं करती लड़कों के साथ। देखो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे घर में मैं रह रही हूँ, तुम्हारे पापा से ट्रेनिंग ले रही हूँ, और इस सब के लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम मेरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगो। एक बात याद रखना दास, मेरे लिए कुश्ती ही सब कुछ है। सब कुछ का मतलब सब कुछ, और मैं अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए कुछ भी करूंगी। मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो इसके बीच में आके कहेंगे ये करो वो मत करो, फिर चाहे वो मेरी फैमिली क्यों ना हो। तो आज के बाद से ऐसी बात करने की हिम्मत भी मत करना, ओके? बोलो कुछ, अब बोलो। आई लव यू। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। बेटा, जो औरत इस घर में हमेशा हंगामा खड़ा करती है और मुझ पर चिल्लाती रहती है किसी भी कारण से या हर बात पर, वो मेरी पत्नी है। अरे, तुम्हारी माँ। जब मैं 25 साल का था तो वो मेरे पास आई और मेरी आंखों में देखकर जानते हो क्या कहा, जो अभी अभी तुमने उस लड़की से कहा, आई लव यू। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्यार करना गुनाह है, लेकिन वो लड़की जो इस अनजान शहर में परेशानियों से घिरी है, अपने घर और शहर को छोड़कर आई है, बेटा, ऐसा नहीं है कि उसके शहर में बहादुर मर्दों की कमी है, लेकिन उसका इरादा पक्का है। वो बहुत महत्वाकांक्षी है और तुम्हारे अंदर एक यही कमी है। बेटा, मैं ये बात तुमसे खुलकर कह रहा हूं, तुम निराश मत होना। जानते हो, अभी तुम्हारा कद उस लड़की से बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा। पहले तुम उसके आगे अपना सिर ऊपर करके खड़े होना सीखो, फिर उसकी आंखों में देखना और कहना कि तुम उससे प्यार करते हो। असली मर्द ऐसा ही करते हैं। हाय दास, पहचाना मुझे? अजीत। अजीत, आज से 10 साल पहले सब जूनियर के रेसलिंग सेमीफाइनल में तुम्हीं ने मुझे हराया था। अजीत कुमार, सॉरी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं यार, इस टूर्नामेंट के इनॉग्रेशन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और भगवान की कृपा से इस साल 72 किलो की कैटेगरी में मैं नेशनल चैंपियन हूँ। बढ़िया। जस्ट अ मिनट। हाँ, हेलो, या आई एम कमिंग। कंग्रेट्स मैन। थैंक यू सो मच। वैसे मैंने सुना कि तुमने कुश्ती बहुत पहले छोड़ दी थी, फिर यहाँ कैसे आना हुआ? मैं अपने पापा के साथ आया हूँ। कैप्टन सर के साथ आए हो? हाँ यार, मुझे कैप्टन सर से मिलना है, एंड आई विल कैच यू लेटर। बाय बाय। तुम्हें अजीत याद है? अब वो वही पुराना लड़का नहीं है जिसे तुमने नेशनल सब जूनियर प्रतियोगिता में हराया था। वो एक नेशनल चैंपियन है। वो बहुत ही छोटे से गांव से आया था, वो भी बिना किसी सहायता के। अगर उसके पास इसकी आधी भी सुविधाएं होती जितनी कि हमारे पास है, तो अभी तक वो ओलंपिक मेडल जीत चुका होता।
बेटा वो मौके की कीमत समझता है। जाओ जाकर सो जाओ, हमें सुबह जल्दी निकलना है, जाओ सो जाओ। वेलकम एवरीबॉडी, आप सबका जब उसकी सारी ख्वाहिशों को एक एक करके मार दिया गया तो लोगों से छुपाने के लिए कि वो हारा हुआ महसूस करता है उसने ऊपर चालू रखो। मैं वापस आना चाहता हूं। कोल्हापुर में जब तुम एक दर्शक की तरह जाना चाहते थे तो मैंने मान लिया था। यह वो जगह नहीं है जहां तुम अपनी मर्जी से आओ या चले जाओ। यह एक अखाड़ा है।
जब तुम इस जगह पर खड़े होगे तब मेरे बेटे नहीं रहोगे। और इनका क्या? ये सब सिर्फ डमी है इसकी मदद करने के लिए। इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ। वापस जाने के लिए नहीं आया हूं। अगर तुम इस अखाड़े को अपना बनाना चाहते हो तो तुम्हें ये जीत कर साबित करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि रमेश को हराओ, लेकिन तुम्हें बिना हारे 3 मिनट तक इस अखाड़े में खड़ा रहना पड़ेगा, तब वापस आ सकते हो, वरना बाहर फेंक दिए जाओगे। अरे ये वही पैतरा जो मैंने 60 के दशक में मारा था।
कैप्टन मैं केरल को रिप्रेजेंट करूं। केरल की महिला कुश्ती टीम में एक पंजाबी महक। आने वाले नेशनल गेम्स के संग्राम के लिए जालंधर की अदिति सिंह तैयार हो रही है। अदिति सिंह कन्नूर के क्वालिफाइंग प्रतियोगिता को जीतकर केरल की टीम के लिए चुनी गई है। तूने कोल्हापुर का मैच जीता था क्योंकि मैं वहां नहीं थी। हाँ, जैसे तू मेरा कुछ बिगाड़ कर। पिंटो दिल्ली के पहलवान है, वो बहुत ज्यादा चालाक है। उसका मुख्य तरीका अपने प्रतिद्वंदी को भड़काना है। अगर तुमने रिएक्ट किया तो वो उसका फायदा उठाएगी, फिर सब कुछ आसान हो जाता है। ये वो अच्छे से जानती है। सर, अदिति सिंह। यस, उन्हें बुलाया गया है अर्जेंटली। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे एक बार फिर से दोहराने दीजिए। एक औरत एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक दादी, एक सास होती है, एक चाची होती है, वो पूरे परिवार जो हमने सुना वो सच है कि वो हिस्सा नहीं लेगी। हे, ये कैसे हो सकता है? पर ये सच है कैप्टन, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, रेसलिंग फेडरेशन से ही गलती हुई है। ये तो सच में बहुत ही बुरा हुआ। क्या ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो एक पंजाबी है? ये तो कोई कारण नहीं है। केरल के लोग तमिलनाडु के लिए खेलते हैं और तमिल के लोग कर्नाटक के लिए। पंजाब स्टेट ने अदिति को छोड़ने का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजा है। लेकिन वो तो हमने बहुत पहले ही भेज दिया था। पर हमें नहीं मिला, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आज क्रॉस चेक किए हैं। ये सब कुछ तुम आज चेक कर रहे थे? कैप्टन, रियलिटी ये है कि हमें भी इस बात का नहीं पता था कि नेशनल गेम्स हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इस भ्रष्टाचार और सैकड़ों परेशानियों के बीच और हो सकता की डॉक्यूमेंट्स न मिलना एक मिस्टेक हो। कौन, विजय? वो तो सिर्फ एक काउंसलर है। अरे, ये काम तो एसोसिएशन का एक छोटा सा क्लर्क भी कर सकता है। विजयन का एक दोस्त है जो कुट्टीपुड़ा का एमएलए है, वो नेशनल गेम्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है। मैंने सुना है कि वो भी यही खेल खेलता था। अगर वो पंजाब की लड़की गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाई तो ये सब तुम सबकी हार है। विजयन को कुछ नहीं होने वाला। वो भाग रहा है। अब ये मामला सिर्फ तुम्हारे परिवार का नहीं है, पूरे गांव का मसला है। उसने उस मेडल को फेंक दिया है जो इस गांव को मिलने वाला था। तुम हमें बस ये बता दो कि हम उसके साथ क्या करें। ये देख, नई नेशनल चैंपियन। कुछ कहना है? ओ, चुप क्यों हो? बड़ी चुनौती देने आई थी ना मुझे? केरल गॉड्स ओन कंट्री, अब क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ, ये नेशनल गेम मेडल लेके तू ज्यादा नाच मत। पूरी दुनिया जानती है कि ये तूने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलकर जीता है। तुझे ये मजाक लग रहा है? मेहनत की कमाई है ये। अरे चल चल, हट, धोखे पास मार डालूंगी मैं तुझे। अच्छा तू क्या नहीं बन गई है? अरे छोड़, हराएगी। अरे अंकल, मरेगी चाहिए। छोड़ो उसे, मैंने कहा छोड़ो उसे। तुम्हें अपना गुस्सा और चिढ़ रिंग के अंदर दिखानी चाहिए, ना कि बाहर। हिम्मत है तो लड़ो रिंग के अंदर। ठीक है, बस एक तारीख और जगह चुन लो। मड और मैट, आई डोंट केयर, आई विल रेसल योर गर्ल एंड दिस। This I'll take it back when I pin her down. ऐसे मैदान को अखाड़ा बनाना जो जूता हुआ है, वो भी एक दिन में, ये कोई आसान काम नहीं है दास। अब हम क्या करें? हम भी तुम्हारे साथ हैं, वो भी हमारी बेटी जैसी है। कुश्ती किसके बीच में? हमारी पंजाबी लड़की और वो और दूसरी दिल्ली से है। वो को कहो हमारे वाले मैदान में। इसे अभी तक किसी ने मारा नहीं क्या? माँ, विजय अटका है? वो अंदर है। हाँ,
जबीर, इतना बड़ा काम करने के बाद तुम यहाँ छुपे हो? मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे गंदे काम में भी, पर अब बहुत हो गया। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जबीर? ये लड़की ना जाने कहाँ से आ गई, सारे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए, तो मैंने सोचा कि थोड़ी उसके लिए परेशानी पैदा करूं, ताकि वो वहीं से पंजाब चली जाए और फिर हम क्रिकेट क्लब, स्टेडियम, रमनी की जूस की दुकान पर लौट आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो जाकर किसी लड़की को कुश्ती लड़ने की चुनौती दे आएगी और वापस यहीं आ जाएगी। उसका खेल तुम्हारी इस गली क्रिकेट की तरह नहीं है जो तुम बच्चे खेलते हो, वो ओलंपिक्स तक भी जा सकती है। हमने आज तक अपने गाँव के लिए कुछ नहीं किया और एक लड़की जो इस गाँव की भी नहीं है वो हमारा नाम रोशन कर रही है, हमारे गाँव के लिए खेल रही है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था विजेटा। सॉरी यार। देखो मुझे लगता है हमें इस तरफ वैसे भराव करवा देना चाहिए जैसा इस तरफ किया था। हाँ बस बस, तुम काम चालू रखो। अच्छे से काम करो यार तुम लोग। अरे दास और विजन, मेरा मतलब बालन, अगर मुझे ही सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा तो काम कैसे खत्म होगा? तुम्हें ट्रैक्टर चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक है। रमनी देखो अब मैं वापस आ गया हूँ, अच्छे से साफ करो इसे, चलो चलो अच्छे से खींचो, ऐसे कोई काम नहीं करना चाहता। सामने है हमारे पंजाब की सुंदरी अदिति सिंह, और अदिति सिंह का सामना करने के लिए उनके खिलाफ है पिंटो फर्नांडिस दिल्ली से, वो भी अखाड़े में आ रही हैं। 62 केजीज की महिला वर्ग की नेशनल चैंपियन दिल्ली की पिंटो फर्नांडिस, ये एक बहुत ही चालाक खिलाड़ी है, ये अपनी प्रतिद्वंदी को भड़काने की घटिया चाल चलती है। आज देखते हैं अदिति सिंह के सामने पिंटो फर्नांडिस की कितनी चलती है। और हमारे रेफरी ने विसल बजाकर खेल शुरू कर दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों ये कमाल की लड़ाई है। पिंटो फर्नांडिस ने अपनी चालाकी शुरू कर दी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पिंटू एक चालाक खिलाड़ी है। अब दोनों ही खिलाड़ी हमला करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने अपने सिर ऐसे फंसाए हैं जैसे दो बैलों ने अपने सींग। मैं उन लोगों को ये याद दिला दूं जिन्हें पता नहीं है कि कुश्ती एक बहुत ही खतरनाक खेल है। ये गड्ढा कुश्ती है, यानी मिट्टी में खेली जाने वाली कुश्ती, ना कि कोई फ्री स्टाइल कुश्ती की तरह मैट्रेस पर खेली जाने वाली। इसमें ना राउंड्स है ना पॉइंट्स है। इनमें से जो भी किसी को जमीन पर 3 सेकंड के लिए चित कर देगा वो मैच का विनर होगा। तो ये मैच किसी भी पल खत्म हो सकता है। अदिति सिंह बैक फ्लिप देने की कोशिश कर रही है। हे भगवान, पिंटो ने उसे पटक दिया। एक बहुत ही शक्तिशाली जवाबी हमला, एक शानदार मूव पिंटो फर्नांडिस द्वारा। एक कहावत है, जब एक औरत गुस्सा होती है तो उसे भगवान भी नहीं रोक सकता, ये आज सिद्ध हो चुका है। देखिए दोनों ही खिलाड़ी कितने गुस्से में नजर आ रहे हैं, दोनों ही एकदम स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी। और ये अदिति सिंह ने पिंटो फर्नांडिस को पटक दिया है। दोनों ही एक दूसरे से शेरनियों की तरह लड़ रही है दोस्तों, और दोनों हमले के लिए तैयार हैं। दोनों खिलाड़ी मौके की तलाश में एक दूसरे पर नजर टिकाए बैठी हैं, और पिंटो फर्नांडिस ने कसकर थप्पड़ मारा है और उन्होंने अदिति सिंह को पकड़ लिया है। अब देखते हैं अदिति सिंह अपने आप को कैसे छुड़ाती है। पिंटो फर्नांडिस ने अदिति सिंह पर अच्छी ग्रिप जमाई हुई है और उसे पटक दिया। पिंटो फर्नांडिस अदिति सिंह पर भारी पड़ते हुए, लगता है पिंटो फर्नांडिस आज का मुकाबला जीत जाएंगी। लगता है हमें जल्दी ही पता चल जाएगा कि आज का विजेता कौन होने वाला है। अदिति सिंह ने भी जोर से पकड़ बनाए रखी है और अदिति ने पिंटो को पटक दिया है। बहुत ही अच्छा मूव अदिति सिंह द्वारा। मुकाबला काफी टक्कर का हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की चालाक पिंटो ने अदिति पर अपना दबदबा फिर से बना लिया है। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि
टाइम हो गया,